अभी हम दरभंगा में दिघी पोखर के जो साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक दरगाह है, मज़ार है, जो कि कहा जाता है कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जिन्होंने 1857 की लड़ाई को लीड किया था कह सकते हैं, तो उनके सबसे बड़े पोते मिर्ज़ा ज़बीरुद्दीन शाह का, बहादुर का ये मज़ार है। ऐसा कहा जाता है कि जो मुग़ल एम्पायर थे और जो दरभंगा महाराज थे, इनके बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, और इस रिश्ते की वजह से 1857 के बाद जब बहादुर शाह जफर के मतलब ख़ानदान को अंग्रेज़ों ने तबाह बर्बाद कर दिया, उनका कत्लेआम किया, तो एक बार लक्ष्मेश्वर सिंह जो हैं वो बनारस जाते हैं दरभंगा से, वहाँ उनको पता चलता है 1881 का ये बात है कि बनारस में जो है बहादुर शाह जफर के सबसे बड़े पोते, जिनका नाम हमने अभी बताया मिर्ज़ा ज़ुबैरुद्दीन बहादुर गोरगन था, वो वहाँ जो है एक वहाँ हैं, उनकी हयात से हैं और उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो लक्ष्मेश्वर सिंह जो है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दरभंगा चलिए और वहाँ सुकून से, पुरसकून से आप मतलब वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारिए। तो उनके लक्ष्मेश्वर सिंह के इस रिक्वेस्ट पे बहादुर, जो बहादुर शाह जफर के पोते थे, उन्होंने इनकार नहीं किया और वो उनके साथ दरभंगा आए और यहाँ 1881 से लेकर फिर रेस्ट ऑफ लाइफ उन्होंने यहाँ गुजारी। उनके जो बड़े साहबजादे थे उनका इंतकाल जवानी में ही हो गया, बल्कि बचपन में ही हो गया, यहीं दरभंगा में। बाद में उनकी जो अहलिया थी उनका भी इंतकाल हो गया और 1905 में जा कर के जो मिर्ज़ा ज़बीरुद्दीन बहादुर थे उनका इंतकाल हो गया, और ये जो कब्र है यहाँ पर उन मिर्ज़ा ज़बीरुद्दीन बहादुर और उनके जो अहल खाना का है, तो वो है, ये दरभंगा में है दिघी पोखर, जो कि स्टेशन के पास है, उसके साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पे मौजूद है। ये जो लोकेशन है ये दरभंगा का एक प्राइम लोकेशन है। यहाँ पे एक तरफ आपको दरभंगा स्टेशन है, दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन, दूसरी तरफ जो यहाँ का बहुत फेमस होली क्रॉस स्कूल है, दूसरे एक कॉर्नर पे इसके अगर एक डायगोनली हम कॉर्नर ले तो वहाँ पे दरभंगा म्यूज़ियम है, चंद्रधारी मिथिला म्यूज़ियम, दो दो म्यूज़ियम है, और ये काफ़ी एकदम प्राइम लोकेशन पे है। अगर दिघी पोखर को अगर इन इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से या फिर इसका जो मतलब खूबसूरती है इसकी वजह से अगर चाहे तो इस मज़ार को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है और साथ ही इसको एक टूरिस्ट पैलेस के तौर पर अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। और इसके बारे में पहले कई बार पहल भी हुई है, लेकिन इसमें और कोशिश किए जाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर लोगों को भी पता चले। हम लोग ये सुनते रहे हैं कि यहाँ पर मज़ार है, बगल में मस्जिद है, लेकिन जो है इसको अभी उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाया है जितना जिसका ये हकदार है।